वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं आपके साथ पुनीता से। कश्मीरियों के दर्द को बयां करने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हर दिन फिल्म की कमाई में जबरदस्त का इजाफा देखने को मिल रहा है और इससे जुड़ी खबरें भी रोजाना सामने आ रही है। अब जो खबर सामने आई है वो इस फिल्म में एक मुख्य किरदार निभाने वाले अनुपम खेर से जुड़ी है। दरअसल अनुपम खेर ने कुछ ऐसा काम किया है जिससे लोग उनकी तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाले अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जो सुर्खियों में है और लोग उसे खूब पसंद भी कर रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए एक्टर ने बताया कि वो अभी हाल ही में अपने मेकअप आर्टिस्ट के बेटे की शादी में शामिल हुए थे और उन्होंने कपल को अपना आशीर्वाद दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि अनुपम दुल्हा और दुल्हन के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। फोटो शूट के दौरान वो दुल्हन से मुस्कुराने के लिए भी कहते हैं, जिसके बाद वो स्माइल करती है, वहीं फिर वो दुल्हे से हाथ मिलाते हैं। इस वीडियो के कैप्शन में अनुपम लिखते हैं, आज मेरे 27 साल पुराने मेकअप आर्टिस्ट मंगेश देसाई की बेटी मैथिली की शादी सत्येंद्र से हुई है। मंगेश ने मेरे उन तमाम किरदारों को अपना बेहिसाब प्यार दिया है जिन्हें मैंने स्क्रीन पर निभा चुका हूं। इनमें द कश्मीर फाइल्स भी शामिल है। भगवान इस कपल पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखे, प्यार और आशीर्वाद। इसके साथ ही अनुपम ने कैप्शन के आखिरी में लिखा है कि उनका स्टाफ उनकी ताकत है। अब अनुपम खेर की इस सादगी ने नेटिजंस का दिल जीत लिया और वो कमेंट सेक्शन में उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। दूसरे यूजर ने लिखा, अनुपम सर हम सब आपकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आप पर्सनली बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सैल्यूट सर। एक यूजर लिखते हैं, आई लव यू सर, आप बहुत हम्बल हैं और आप अपनी कला में ही बेहद माहिर हैं जिसे सारी दुनिया जानती है। ऐसे ही अच्छा काम करते रहें और मेरा प्यार दुलारी माँ को दे। आपको बता दें, दुलारी अनुपम खेर की माँ है जिनका वीडियो अक्सर अनुपम खेर सोशल मीडिया पर शेयर करते ही रहते हैं और लोग उन्हें खूब पसंद भी करते हैं। बताते चले कि फिल्म ने इंडिया में अभी तक 228 करोड़ का कारोबार कर लिया है और जानकार कह रहे हैं कि फिल्म जल्द ही 250 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लेगी। इस वीडियो पर आपकी क्या है राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।